देखिए राज बदल गया, पार्ट बदल गया, झारखंड में फिर से सरकार बदल गया। हम लोग इस समय गुरुजी के आवास में हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और वन सी में उनका आवास है। आप तस्वीरें देख लें, वहां पर तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के जितने भी लोग हैं इस समय यहाँ जुड़े हैं, तमाम जेएमएम के लोग, आलोक जी, अनिल सिंह जी, शंभू यादव जी, कन्हैया जी, तमाम लोग इस जगह पर जुटे हैं और पड़ाका और मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी है। बोकारो जिले की अगर बात करें तो लगभग जगह का नतीजा आ चुका है। अगर गोमिया की बात करें तो लंबोदर महतो, जो अनुमान लगाया जा रहा था, लंबोदर महतो ने गोमिया से बाजी मार ली है। बेरमो से जहाँ राजेंद्र सिंह ने बाजी मारी है, वहीं चंदन गिहारी से अमर बावरी ने बाजी मार लिया। लेकिन बोकारो का सीट पर अभी थोड़ी देर के बाद नतीजा आने वाला है और तमाम लोगों को बोकारो के नतीजे का ही इंतजार है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए इस समय शंभू यादव जी भी हैं, जो बेहद खुश हैं क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद सरकार आ रहा है। मतलब कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत। इससे बड़ा क्या खुशी मिलेगा, हमसे ज्यादा खुशी किसी को मिलेगा? सब शंभू जी खुश हैं, कम बोलते हैं क्योंकि भावुक हो गए हैं, क्योंकि सरकार आने वाला है, फिर से इस जगह पर रौनक आने वाली है और हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा सपना देख रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए अनिल सिंह जी, सिंह साहब जिले में एक सीट मिलने में कामयाब हुआ। एक मिनट, बोकारो जिले में एक सीट अभी मिल चुका है आपको और दूसरे की अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है 19वें राउंड में आप 10,000 से पीछे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड की जनता की जीत है, महागठबंधन का जीत है। मैं इस जीत में शिबू सोरेन, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। और यह जीत जो है पारा शिक्षकों का और सेविका सहायिका का सबसे बड़ी जीत है, जो हमारी माँ बहनों को जिस तरह से रघुवर सरकार ने ही, ये रावण सरकार लाठी चार्ज करके जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उस तरह से जनता ने इनको नकार करके फेंक दिया है, तो झारखंड की जनता की सबसे बड़ी जीत है। गुरुजी का कार्यकाल को देखा झारखंड की जनता, हेमंत सोरेन के कार्यकाल को देखा, तो इसलिए एक बार झारखंड की जनता, आप देख रहे हैं पूर्ण बहुमत, आपने अभी कहा कि बहुमत नहीं है, तो पूर्ण बहुमत, मुझे लगता है कि 50 सीट भी ये हम लोग का महागठबंधन पार नहीं कर जाए। और झारखंड के इतिहास में पहली बार, जो बार बार बीजेपी वाले जो कहते थे कि 65 पार का नारा हम लोग दे रहे हैं, तो कहीं 65 पार हम लोग महागठबंधन नहीं कर जाए इस बार इस तरह से लग रहा है। तो ये झारखंड की जनता की जीत है, महागठबंधन की जीत है, और जो लोग प्रताड़ित हुए हमारे गुरुजनों का जीत है और हमारी सेविका सहायिका